आप थ्री डायमेंशनल लैटिस पर जब आते हैं तो आप ये पाते हैं, देखिए अदर सेवरल डॉट्स मैंने यहाँ पे दिया है, ये डॉट पिक्चर कहां से आया? वही एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक पे जब अप्लाई करते हैं तो वहां बहुत सारे डॉट्स मिलते हैं, उस डॉट्स को अगर मैग्नीफाई किया जाए तो ये थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा जो हमें इस तरह से दिखेगा। तो करते क्या है, ये इन साइड्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम मिलाया इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, अभी मैंने टू डायमेंशन मिलाने की कोशिश, देखिए इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, टू डायमेंशन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डॉट सब एटम है जो लैटिस में रिप्रेजेंट किया गया है, हम इसको ऐसे मिलाए आप यहाँ पे, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इधर गौर करेंगे देयर इज अ वाई एक्सिस है। अगर हम इसको मिला दें यहां से तो ये एक्स था, ये वाई हो गया, तो ये आपके पास जेड एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पे जहां पे थ्री डायमेंशन अब थोड़ा कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाता है। देखिए यहां पे खाली आप गौर कीजिए, ये नंबर वन क्यू, ये नंबर टू क्यू, ये नंबर थ्री क्यू, ये नंबर फोर, अगर आगे बनाया जाए तो नंबर फोर क्यू बन सकता है। इस नंबर वन वाले पार्ट को देखिए, ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट है या नहीं, इसको अगर आप ऐसे बना दें बाहर अलग से, यही क्या होगा थ्री डायमेंशन में, इस क्रिस्टलाइन लैटिस का यूनिट सेल बन जाता है। सॉरी मैं फिर से बताता हूं, ये अच्छा नहीं बना, फिर से बनाता हूं। आप ऐसे देखिए स्क्वायर लेते हैं, दो लीजिए स्क्वायर, या दूसरा स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए तो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखिए बन गया, बन गया। मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। जो रिपीटिंग यूनिट था, अगर हम यूनिट सेल की स्टडी कर लें तो हम पूरे लैटिस की स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज एटम्स के अरेंजमेंट क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं, फिक्स होते हैं। तो बेसिकली यहां पे करना क्या चाह रहे हैं, हम अगर एक यूनिट सेल की स्टडी कर लें तो हमें पूरे सॉलिड्स के अंदर इनसाइड एटम का जो स्ट्रक्चर कैसे वेरिएट करता है, कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे अरेंजमेंट, हम उसको समझने बड़ी आसानी हो जाएगी। बट यहां पे इसको थ्री डायमेंशनल लैटिस में समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, सिक्स पैरामीटर इस्तेमाल किया। वो कैसे, देखिए ये हमारा ए साइड हो गया, ये हमारा बी साइड हो गया, ये हमारा सी साइड हो गया। अगर आप देखें यहां पे तो ए बी का एंगल अगर आप अल्फा लेते हैं, इसका एंगल आप बीटा लेंगे, इसका एंगल आप गामा लेंगे। अगर हम साइड्स की बात करें यहां पे टू डायमेंशन में ले देते हुए चलते हैं तो आप पाएंगे हमारे पास ए सी बी है जिसका एंगल हमारे पास बीटा है। दूसरा हमारे पास साइड में अगर देखें हमारे पास तो यहां पे ये बी सी बी है, बी सी हमारे पास दो साइड्स हैं, इसमें देखेंगे एंगल हमारे पास क्या है, गामा है। अगर आप साइड्स यहां पे लेते हैं तो आपके पास आएगा बी ए बी, तो ए बी साइड्स पे आप देखेंगे एंगल अल्फा है। अब इन्होंने क्या किया कि साइड और एंगल्स के हिसाब से थ्री डायमेंशन में क्रिस्टलाइन लैटिस को क्लासिफाई किया। एक्चुअली रीजन क्या था कि उस जमाने में जितने सारे क्रिस्टल सिस्टम हमें मिले वो सब क्या है, थ्री डायमेंशन में जो भी एलिमेंट मिला उस एलिमेंट की स्टडी जो हमने की थी वो साइड और एंगल के बेसिस पे किया था, उसी की बेसिस पे इसने क्लासिफाई किया गया, जिसे ब्रेवियास लैटिस कहते हैं, और फेवन क्रिस्टल सिस्टम का इजाद हुआ। उसको कहा कि अगर हम साइड और एंगल के हिसाब से इसको क्लासिफाई करना चाहें तो सेवन टाइप्स के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। उसी स्ट्रक्चर को डिटेल में आपको बताऊंगा। वो स्ट्रक्चर जो स्टार्ट हुआ वो डिपेंड करता है वो साइड्स पे, वो डिपेंड करता है उसके एंगल्स पे, इसके बेसिस पे वो डिफाइन किया गया। वी आर टेकिंग द साइड एंड एंगल एज द बेसिक क्लासिफिकेशन मेथड। यहां पे देखिए साइड हमारे पास ए बी सी साइड है, थ्री डायमेंशन में एक्स पे माना, वाई पे बी माना, जेड पे हमने सी माना, बाकी ए और बी के एक्स और वाई के बीच का एंगल अल्फा माना, वाई जेड के बीच एंगल गामा माना गया, और एक्स एंड जेड के बीच का एंगल बीटा माना। कहा कि अगर हम यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट, अभी मैंने सिक्स लिखा, सेवन बताऊंगा क्या होता है। क्यूबिक कब होगा, जब इनके साइड्स ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी हो जाए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सेकंड बताता है टेट्रागोनल, उसे कहते हैं व्हेन ए इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री प्रेजेंट होगा। तो एंगल और साइड्स के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर या शेप बदलता रहेगा। ऑर्थोरोम्बिक कब होगा, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, या तीनों चीज साइड बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में अगर आप आएंगे ए इक्वल टू बी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा 90 होगा बट गामा इज 120 डिग्री एंगल। रोम्बोइडल में आप आएंगे ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होंगे। मोनोक्लिनिक में आएंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अगर हम इसी तरीके से देखें यूनिट सेल को तो सातवां सिस्टम कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक कहते हैं इसको, कहता है अल्फा, सॉरी अगर हम साइड्स की बात करें यहां पे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एंगल चेंज कर जाएंगे जो तीनों चीजें बराबर नहीं होंगी। सच कर दिया सेवन क्रिस्टल सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इसको याद कैसे किया जाए, सिंपल तरीका देखिए मैंने एक बनाया है, क्यूट ऑर्थो हीरो मॉन्ट्राई,
ये लफ्ज आप याद कर लीजिए, क्यूट ऑर्थो बड़ा क्यूट है, हीरो है मॉन्ट्राई, क्यू का मतलब हो गया क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस तरह से आप सेवन सिस्टम को देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल के बेसिस पे। अभी मैंने साइड और एंगल की बात की तो सात सिस्टम बने, अगर मैं एटम्स के पोजीशन की बात करूंगा तो वहां पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तकरीबन ये 14 सिस्टम बन सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है आपका, या नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बात करूंगा, वो यूनिट सेल का यूनिट्स के अंदर हम देखेंगे कि एटम्स के एलिमेंट से कितने टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस बन सकते हैं। थैंक यू, आई होप मैंने कोशिश की आपको कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, बट ये कोशिश कीजिए आराम से पढ़ने की टॉपिक है, आप आराम से उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। थैंक यू।